तो हेलो दोस्तों, तो दोस्तों अभी को एक यहाँ पे गुड न्यूज़ है अपनी। ये जो भैंस है दोस्तों बच्चा देने वाली, लेकिन अभी दोस्तों इसके अंदर टाइम था लगभग एकाध हफ्ते लगभग टाइम हम लोग अनुमान लगाए थे। इसके पहले जब बच्चे दी थी उसके हिसाब से अनुमान लगाए थे कि अभी एक हफ्ते और लेगी, लेकिन दोस्तों अचानक से अभी को वहाँ पे मूत्र फोड़ दी है, मतलब बच्चे देने की तैयारी कर रही है, कुछ देर में बच्चे दे देगी। तो इसको हम जो है कि पहले इसको अंदर बांध, वहाँ पर अंदर बांधी थी, लेकिन मूत्र जिसका जब निकला ना सोचे कि बाहर फोड़ेगा सही रहेगा, लेकिन बाहर नहीं फूटा, वहाँ पर फूट गया। तो सोच रहे हैं कि इसको अंदर वहाँ पर बांध देते हैं। इसको अंदर ला करके तो बांध दिए हैं, बस अब जो टाइम बैठ जाएगी तो उसके बाद ही बच्चे दे। अब जो टाइम ले इसको हमें इस साइड ला करके बांध दिया, क्योंकि वहाँ पे कम से कम मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया होगा वहाँ पर बांधी गई थी तो बैठी नहीं, तो उसको वहाँ से हटा करके यहाँ पे बांध दिया। आप देखते हैं बैठती या नहीं बैठती। तो दोस्तों फाइनली काफी देर बाद बैठ गई है, तो दोस्तों बच्चा बाहर आने लगा है। यहाँ पे देखिए वही पोच का सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि पोच उसका उसी पे दम है, और पोच जाकर अंदर वहाँ पर दब गया तो वहाँ पे वो सपोर्ट ले लिया, मेरे ख्याल से उसी की वजह से रुक गया। काफी टाइम हो गया, बस जरा सा उसका अगला पैर का बच्चे का खुर देखिए बस आया हुआ, हल्का हल्का सा जना रहा है। तो दोस्तों बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट किया जा रहा है ताकि सही से बाहर आ जाए। उसका मुंह भी हल्का हल्का बाहर आ गया है, देखिए। तो दोस्तों उसने देखिए राही ने बच्चा दे दिया है, वहाँ पर बच्चा भी पड़ा हुआ है, अभी को जस्ट दी है, वही हल्का सा सपोर्ट करके खींचा गया ना, उसके बाद बच्चा निकला, नहीं तो काफी टाइम लगा देती। इसको अब थोड़ा सा पोज देते हैं, काट दे मेरे मैं तेरे को लगाई, कट गया। अभी बच्चे को खड़ा किया जा रहा है, देखिए खड़ा होने का कोशिश कर रहा है। अभी अगर अभी पकड़े हुए हैं ना तो अभी छोड़ देंगे तो गिर जाएगा तुरंत, लेकिन खुद से भी वो कोशिश कर रहा है खड़े होने का, थोड़ा सपोर्ट भी पा गया है। इसको यहाँ पे फिर से बैठा दिया गया है। तो ये उठने का कोशिश कर रही है और गिर रही, गिरते गिरते बच गई। तो अपने आप देखिए अपने बल पर खड़ी हुई है, इसके पहले तो थोड़ा सपोर्ट दिया, इसके पहले तो सपोर्ट दिया गया था, लेकिन अभी को अपने आप खड़ा हो गया है। टाइगर तो अपना यहाँ पे आराम से लेटा हुआ है, इसको अभी सुबह का खाना नहीं रखा गया क्योंकि वो बच्चा देने लगी, तो उसी में सब लोग ध्यान दिए, आप इसको कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो ये आज सुबह खाना भी नहीं पाया है, अब मुझे लगता है शाम को ही पाएगा। दोस्तों रानी को बच्चा दिए, काफ़ी टाइम हो चुका है, ये लगभग दोपहर का बच्चा दिया है और लगभग अब शाम को होने को आया है। बच्चा देखिए यहाँ पे आराम से बैठा है और ये अभी तक खेड़ी नहीं गिराई है, काफ़ी टाइम लगा रही, तो डॉक्टर को बुलाए हैं, वो आएंगे दवा वगैरह डाल देंगे तो खेड़ी कुछ देर में गिर जाएगा, उसके बाद ही बच्चे को पिला पाएंगे। नहीं तो दोस्तों इसको इसके पास बच्चे को लेकर के जा रहे हैं ना, तो ये पता नहीं कि उसको मार रही है, मारना झुक रही है, तो खेड़ी वगैरह जब गिरा देगी तब नहीं मारेगी, तो डॉक्टर आएंगे दवा डालेंगे तब खेड़ी गिरेगा, उसके बाद तब बच्चे को दूध पिलाया जाएगा। इस तरह से उसको मार रही है, छूने ही नहीं दे रही है, पास लेके जा रहे हैं तो मारने की कोशिश कर रही है। हमें लगता है कि जो रानी है बच्चे को मतलब चाटी भी नहीं, अपने मतलब चाट देती तो थोड़ा सा साफ हो जाता है, मुझे नहीं लगा, उसे हम लोग अपने हाथ से साफ कर दिए थे थोड़ा कपड़ा से, लेकिन हम लोग से भी सही साफ नहीं हो पाया, और इसने मेरे ख्याल से चाटा भी नहीं, अगर चाट ली तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन मुझे नहीं लगता चाटी, क्योंकि हम सो गए थे। इसको तो दवा वगैरह जो अंदर इसको चढ़ाना था मतलब डालना था उसको भी डाल दिया, थोड़ा बहुत हाथ से भी जो निकला निकाले, नहीं तो छोड़ दिया, उसके बाद दवा डाल दिया, तो अब कुछ देर में उसका खेड़ी बाहर गिर जाएगा।